हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको निगेशन, कंजक्शन और डिजक्शन के ट्रूथ टेबल और उसके एग्जांपल्स मैंने कराए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रूथ टेबल का एक एग्जांपल 10 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी भी है ना। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रूथ टेबल बनानी सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, और साथ ही साथ में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको हम डायरेक्ट इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, उसके लिए हम कन्वर्स इम्प्लीकेशन, इनवर्स इम्प्लीकेशन और कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली हम ट्रूथ टेबल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे जो कि 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इम्प्लीकेशन, या जिसको हम डायरेक्ट इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, या जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज हम इसके ट्रूथ टेबल और इसको डिटेल में जानेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल हमारा होता है इम्प्लाइज वाला, ये सिंबल होता है। कभी कभी एग्जाम में इस सिंबल की जगह पे इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो दोनों का मतलब इम्प्लाइज है, चाहे ये वाला सिंबल आए या फिर ये वाला सिंबल आए, दोनों का मतलब इम्प्लाइज ही होगा या इम्प्लीकेशन ही होगा, या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ नथिंग, है ना, दो स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, उसमें इफ़ देन आपको यूज़ करना है, इफ़ फर्स्ट स्टेटमेंट देन दूसरा स्टेटमेंट, तो यही हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है। जैसा कि मैंने डिफाइन भी किया है कि इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, अगर हमारे पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट हो, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट, एक कंपाउंड स्टेटमेंट हमें बनाना है इफ़ पी देन क्यू, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ में हमें लगाना है, फर्स्ट प्रपोजिशन के साथ में हमें इफ़ यूज़ करना है, और दूसरे से पहले हमें यूज़ करना है देन, तो इफ़ पी देन क्यू, ये जो स्टेटमेंट होता है इसी को हम डिनोट करते हैं पी इम्प्लाइज क्यू से। इसी को हम किससे डिनोट करते हैं? पी इम्प्लाइज क्यू से डिनोट करते हैं, और ये स्टेटमेंट ही हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है, या जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इम्प्लीकेशन। ठीक है, या सिंपली इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट यूज होंगे, दो प्रपोजिशन यूज होंगी, एक पी और एक क्यू। ये जो पहले वाली प्रपोजिशन होती है पी, इस स्टेटमेंट को हम एंटीसीडेंट या हाइपोथीसिस कहते हैं। इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट या हाइपोथीसिस। और जो हमारा बाद वाला स्टेटमेंट होता है क्यू, इस स्टेटमेंट को हम कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन कहते हैं, ये याद रखें आप। ठीक है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है उसमें जो पहले वाला पी होगा उसको हम एंटीसीडेंट या हाइपोथीसिस का नाम देंगे, जो दूसरे वाला स्टेटमेंट होगा क्यू उसको हम कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन का नाम देंगे। और अगर एग्जांपल की बात करें तो दो स्टेटमेंट के बीच में जो इफ़ देन हमारा वर्ड यूज होता है वही हमारा इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, पी को मैंने माना आई एम हंग्री, एक स्टेटमेंट मैंने ये माना पी है आई एम हंग्री, दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्यू माना आई विल ईट। ठीक है, देन तब आप यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट पी और क्यू के बीच में डिफाइन कर सकते हैं। नथिंग यू हैव टू डू, पी के साथ में आपको इफ ऐड करना है और क्यू से पहले आपको देन ऐड करना है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इफ़ आई एम हंग्री देन आई विल ईट। तो ये जो इफ़ देन स्टेटमेंट होता है इसी को हम कंडीशनल या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, पी को हमने माना इट इज़ स्नोइंग, क्यू को हमने माना 3 + 5 = 8। तो जो पी इम्प्लाइज क्यू होगा, यानी कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा इम्प्लीकेशन से पी इम्प्लाइज क्यू, उसमें हम पी से पहले क्या कर देंगे? इफ़ ऐड कर देंगे और क्यू वाले स्टेटमेंट से पहले देन यूज़ कर देंगे। तो वही यहाँ पे किया है कि इफ़ इट इज़ स्नोइंग देन 3 + 5 = 8। तो इस तरीके से अगर हम इफ़ देन स्टेटमेंट बनाते हैं तो वही स्टेटमेंट हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? वही हमारा कंडीशनल या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ठीक है, ट्रूथ टेबल में आपको याद रखना है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स वैल्यू देगा ओनली व्हेन
ये जो हमारा कंडीशनल या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, ये हमारा फॉल्स वैल्यू देता है केवल और केवल एक ही केस में, व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। मतलब फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो, दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो, तब ये फॉल्स वैल्यू देगा, है ना। अदरवाइज ये हमेशा ट्रू वैल्यू देगा। मतलब अगर पहले वाला पी जो है वो ट्रू हो जाए, क्यू जो है वो फॉल्स हो जाए, तो जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है वो हमें फॉल्स वैल्यू देगा। मतलब पहले वाला टी हो, दूसरे वाला एफ हो, पहले वाला टी होने पर, दूसरे वाला एफ होने पर हमें एफ वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज बाकी सभी केसेस में ट्रू वैल्यू देगा। बाकी सभी केसेस में क्या वैल्यू देगा? ये ट्रू वैल्यू देगा। फिर से बताता हूँ, पहले वाला अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, दूसरे वाला अगर स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाए, तब ये हमारा जो इम्प्लीकेशन है ये फॉल्स वैल्यू देगा। बाकी सभी केसेस में ये हमेशा आपको ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं, तो इधर मैंने पी लिखा, इधर मैंने क्यू लिखा, पेयरिंग करनी आपको आती है, टी टी एफ एफ, क्यू के लिए टी एफ टी एफ, ठीक है। तो ये पी क्यू के लिए हमने पॉसिबल पेयर बनाए, जो कि चार रो में जाएगा 2 की पावर 2 की फॉर्म में। अब जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि पहले वाला अगर ट्रू है, दूसरे वाला अगर एफ है, तो ये एफ वैल्यू देगा, बाकी सब में ट्रू। तो बस आपको यही केस ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, तो इस केस में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी और बाकी सब में ट्रू रहेगा। बाकी सब ऐसा कोई केस है ही नहीं कि पहले वाला ट्रू हो, दूसरे वाला फॉल्स हो, ऐसा कोई केस नहीं है, है ना। तो ये भी हमारा ट्रू वैल्यू देगा, पी इम्प्लाइज क्यू, है ना। टी टी पर टी वैल्यू मिलेगी, एफ टी पर भी टी वैल्यू मिलेगी, एफ एफ पर भी आपको टी वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो इम्प्लीकेशन है, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, जो इम्प्लाइज का साइन हम यूज़ करते हैं पी और क्यू के बीच में, तो फर्स्ट वाला टी होने पर, दूसरे वाला एफ होने पर आपको एफ वैल्यू देगा, बाकी सभी केसेस में ट्रू वैल्यू आएगी। बाकी को आपको देखना भी नहीं है, बाकी सबको आप ट्रू कर देंगे। बस आपको देखना है कि फर्स्ट वाला ट्रू हो, दूसरे वाला फॉल्स हो, तो ये फॉल्स बनेगा, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल हो जाएगी इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। अब इसे कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करके हम इसके कुछ टाइप्स बताने वाले हैं आपको, है ना, काफ़ी यूज़फुल है मे बी हमारे। आपने जान लिया कि जो पी इम्प्लाइज क्यू है, इसको हम डायरेक्ट इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ये हमारा डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होता है। इसी को अगर हम ऐसे कर दें कि पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, हम क्यू इम्प्लाइज पी कर दें, तो जो Q implies P है, ये हमारा बन जाएगा इसके लिए कन्वर्स इम्प्लीकेशन। जो ऊपर वाला डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है उसके लिए कन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि Q हमने पहले कर दिया, P बाद में कर दिया, इनको उल्टा कर दिया, तो ये हमारा कन्वर्स इम्प्लीकेशन बनेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्स इम्प्लीकेशन होगा। लेकिन अगर आप P के पहले भी निगेशन लगा दें, implies Q के पहले भी निगेशन लगा दें, ठीक है, तो ये हो जाएगी उसके लिए इनवर्स इम्प्लीकेशन। अगर हम डायरेक्ट इम्प्लीकेशन में पी से पहले भी निगेशन लगा दें, क्यू से पहले भी निगेशन लगा दें, तो ये हमारी इनवर्स इम्प्लीकेशन कहलाएगी या अपोजिट इम्प्लीकेशन कहलाएगी, ठीक है। अब ये जो आपने कन्वर्स इम्प्लीकेशन बनाया था, ठीक है, अगर आप इसमें निगेशन लगा दें क्यू से पहले भी और पी से पहले भी, तो ये हमारा बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, ठीक है। ट्रूथ टेबल में याद रखना कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन का यूज होगा आगे, है ना। वैसे तो चारों को याद रखना है, लेकिन कंट्रा पॉजिटिव मेन है। अगर कन्वर्स इम्प्लीकेशन में क्यू से पहले भी निगेशन लगा दे, पी से पहले भी निगेशन लगा दे, तो उसी को हम बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। इन चारों के लिए हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, है ना। इम्प्लीकेशन में आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि पहले वाला नोट में मैंने नीचे बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार ये रिकॉल हो और बार बार आप इसको यूज़ करें और ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। जो इम्प्लीकेशन है, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है या कंडीशनल है, उसमें पहले वाला ट्रू होने पर, दूसरे वाला फॉल्स होने पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलती है और बाकी सभी केसों में आपको ट्रू वैल्यू मिलती है, ठीक है।
तो पी और क्यू दो स्टेटमेंट मैंने लिए, पेयरिंग करनी आपको आती है टी टी एफ एफ और फिर टी एफ टी एफ, ठीक है। निगेशन पी निगेशन क्यू की जरूरत पड़ेगी उसको भी निकाल लेते हैं। निगेशन पी निगेशन क्यू, नथिंग यू हैव टू डू। जो फर्स्ट वाला रो है उसमें सभी वैल्यूज़ को रिवर्स कर देंगे, जो ट्रू है वो फॉल्स में बदल जाएगी, जो फॉल्स है वो ट्रू में बदल जाएगा। ऐसी निगेशन क्यू में जो सेकंड वाला कॉलम है, जो ट्रू वैल्यू है वो फॉल्स में, जो फॉल्स है वो ट्रू में, जो ट्रू है वो फॉल्स में, जो फॉल्स है वो ट्रू में। तो निगेशन भी हमने सबसे पहले निकाल ली, जो ज़रूरत होगी तो उसको निकाल देंगे। अब हमें चारों के चारों इम्प्लीकेशन निकालने हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, जिसको पी इम्प्लाइज क्यू कहेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे कन्वर्स इम्प्लीकेशन, जिसको हम क्यू इम्प्लाइज पी कहेंगे, है ना। फिर हम फाइंड करेंगे निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, जिसको हम इनवर्स इम्प्लीकेशन कहते हैं। फिर हम फाइंड करेंगे निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, जिसको हम कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन कहते हैं। तो चारों इम्प्लीकेशन जो हमने पढ़ी है, चारों के लिए एक ही टेबल में हम वर्क करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो कॉलम है ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, ये हमारा बनेगा कन्वर्स इम्प्लीकेशन, ये हमारा बनेगा इनवर्स इम्प्लीकेशन, ये बनेगा कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट में आप जानते हैं, फर्स्ट वाला ट्रू होने पर, सेकेंड वाला फॉल्स होने पर फॉल्स वैल्यू मिलेगी, बाकी सब में ट्रू। तो यहाँ पर ये जो केस बनेगा हमारा P implies Q के लिए, फर्स्ट वाला ट्रू होने पर, सेकंड वाला फॉल्स होने पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी, है ना। पहले हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को यूज़ करते हैं। टी एफ पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी, बाकी सब में ट्रू। टी टी भी आपको टी देगा, एफ टी भी आपको टी देगा, एफ एफ भी आपको टी देगा, है ना। तो ये हमारा P implies Q हो जाएगा। और ये जो नोट मैंने लिखा है इसको मैंने यूज़ किया, टी एफ पर एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर ट्रू। अब क्यू इम्प्लाइज पी निकालना है, ठीक है ना। क्यू इम्प्लाइज पी का मतलब है पहले हमें यूज़ करना होगा क्यू वाले कॉलम को, मतलब सेकंड कॉलम को, फिर हमें यूज़ करना होगा इस पी वाले कॉलम को, मतलब पहले क्यू वाला सेकंड कॉलम, फिर हमें यूज़ करना होगा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अगर पहले यूज़ करें क्यू वाले कॉलम को, तो हमें पहले देखना है टी और बाद वाले में देखना है एफ कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो टी है वो यहाँ पर है और जो एफ है वो यहाँ पर है, तो टी एफ पर आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर ट्रू, ठीक है। तो टी एफ पर आपको एफ वैल्यू मिलेगी, है ना। एफ एफ पर भी ट्रू मिलेगा, एफ टी पर भी ट्रू मिलेगा और टी टी पर भी ट्रू मिलेगा। बस ध्यान रखना कि हमें पहले कौन सा कॉलम देखना है, क्यू वाला कॉलम देखना है, क्योंकि क्यू इम्प्लाइज पी है। तो क्यू इम्प्लाइज पी में जो हमारा टी और एफ का पेयर है वो एफ वैल्यू देगा, है ना, और बाकी सभी केसेस में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो जी हमने कन्वर्स इम्प्लीकेशन भी फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे इनवर्स इम्प्लीकेशन। इनवर्स इम्प्लीकेशन कैसे निकलेगा भाई, इनवर्स इम्प्लीकेशन निकलेगा निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, मतलब हम यूज़ करेंगे कॉलम नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर फोर। निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, इसमें भी हमें क्या देखना है, थर्ड कॉलम में हमें टी देखना है और फोर्थ कॉलम में हमें एफ देखना है। जो टी एफ का पेयर है वो एफ बनाएगा, बाकी सब में ट्रू। तो एक टी हमें यहाँ से मिलेगा और एक एफ यहाँ से मिलेगा, इन दोनों केस में हमें एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सब में ट्रू जाएगा। एफ एफ ट्रू, टी एफ ट्रू और टी टी ट्रू। तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स इम्प्लीकेशन। लास्ट में हम फाइंड करेंगे कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, ठीक है। कंट्रा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन को फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, मतलब पहले यूज़ करना होगा कॉलम नंबर फोर और फिर उसके बाद यूज़ करेंगे कॉलम नंबर थ्री, क्योंकि निगेशन क्यू पहले है, इम्प्लाइज निगेशन पी बाद में है। तो निगेशन क्यू वाले क्यू में हमें टी देखना है और निगेशन पी में हमें एफ देखना है कहाँ पर है, टी एफ एफ देखा, बाकी सब ट्रू, ठीक है। तो निगेशन क्यू में टी यहाँ पर है, फिर निगेशन पी में एफ यहाँ पर है, तो जो टी एफ है वो एफ वैल्यू देगा और बाकी जो एफ एफ है ये भी ट्रू बनेगा, जो एफ टी है
ये भी ट्रू बनेगा, जो टी टी है ये भी ट्रू बनेगा। तो ये हमारा होता है कंट्रापोजिटिव इम्प्लीकेशन। तो हमने डायरेक्ट इम्प्लीकेशन का यूज करते हुए इन चारों को डिफाइन किया। टेबल भी आपने इसकी बनानी सीखी, तो टेबल भी इसके एग्जाम में आ जाती है। इसके बाद चलते हैं हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को लेकर के, है ना। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको मैं लास्ट की वीडियोस में डिफाइन कर चुका हूँ डिटेल में, आप जानेंगे। इसकी ट्रूथ टेबल भी फाइंड करना सीखेंगे। इसका सिंबल मैंने बताया था आपको, इस तरीके से हम इसका सिंबल यूज़ करते हैं, इम्प्लाइज को दोनों तरफ से यूज़ करते हैं एरो लगा कर, है ना। तो ये हमारा जो बोला जाता है, इसको आई डबल एफ से भी लिखते हैं। आई डबल एफ जो कि आप मॉड्यूल 1, 2, 3 में कई बार यूज़ कर चुके हो। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। तो सिंपल सी बात है, जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होगा उसमें जो दो स्टेटमेंट हमें, दो प्रपोजिशन हमें गिविन होगी, उन दोनों के बीच में आपको ये सिंबल यूज़ करना है, और उसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो बीच में नथिंग यू हैव टू डू, केवल आपको आई डबल एफ यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ डालना है। डेफिनेशन की बात की जाए तो इफ़ पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स, अगर पी और क्यू हमारे दो स्टेटमेंट्स हो, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। एक स्टेटमेंट हमें बनाना है पी और क्यू से, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। इसी को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल को यूज़ करके, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू से, और यही स्टेटमेंट हमारा बाई कंडीशनल या इक्विवेलेंस स्टेटमेंट या इक्विवेलेंस प्रपोजिशन कहलाता है। इसको हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट या बाई कंडीशनल प्रपोजिशन भी कहते हैं। एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है जब दो सेंटेंस या दो स्टेटमेंट के बीच में हम इफ एंड ओनली इफ ऑपरेटर लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करते हैं, तब ये डिफाइन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पी को हमने कंसीडर किया 3 greater than 2, और क्यू को हमने बताया कि 3 minus 2 greater than 0, ठीक है। तो पी क्यू दो स्टेटमेंट हमने इस तरीके से डिफाइन किए, तो दोनों के बीच में हम इफ़ एंड ओनली इफ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, है ना। इफ एंड ओनली इफ कैसे यूज होगा, देन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू में क्या होगा कि 3 greater than 2 और जो 3 minus 2 greater than 0 है उसके बीच में हमारा इफ़ एंड ओनली इफ आई डबल एफ हम यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाता है, अगर दो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन के बीच में हम आई डबल एफ या फिर ये सिंबल यूज़ करते हैं, जिसको हम इफ़ एंड ओनली इफ कहते हैं। बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल में आपको याद रखना है कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू ओनली वैन बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम वैल्यूज। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की जो ट्रूथ टेबल होगी उसमें जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ट्रू केवल तभी होगा ओनली वैन बोथ कंपोनेंट्स हैव सेम वैल्यूज। मतलब अगर दोनों की वैल्यू टी टी है तो उस केस में भी ट्रू जाएगा, अगर दोनों की वैल्यू एफ एफ है उस केस में भी ये ट्रू जाएगा, और अदरवाइज क्या रहेगा, ये अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। तो जब दोनों कंपोनेंट सेम वैल्यू रखेंगे तब ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स रहना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसकी, ये पी है, ये क्यू है, ये पी इफ एंड ओनली इफ क्यू है। पी की पेयरिंग आपको पता है टी टी एफ एफ, और क्यू के लिए टी एफ टी एफ। तो बाय द डेफिनेशन जब दोनों कंपोनेंट पी और क्यू सेम वैल्यू रखेंगे तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, दोनों सेम वैल्यू है तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। यहाँ पर एफ सेम वैल्यू है तो यहाँ पर भी ट्रू वैल्यू मिलेगी। बाकी सभी केसेस में सेम वैल्यू नहीं है तो वो हमें फॉल्स वैल्यू देगा। तो ये होता है हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल, ठीक है। कंडीशन ध्यान रखनी है, बाई कंडीशनल में क्या होता है इफ़ एंड ओनली इफ में, जब दोनों कंपोनेंट की सेम वैल्यू होती है तो ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज फॉल्स। टी टी पर टी मिलेगा, एफ एफ पर भी टी मिलेगा, बाकी सब पर फॉल्स। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल में आपको बताया। तो अब हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। लास्ट की वीडियो और आज की वीडियो में जो आपने चीज़ें सीखी है ना, उसको आपको बार बार याद रखना है, क्योंकि मेन काम होता है आपको पता होना कि कब आपको
ट्रू वैल्यू मिलेगी कंपाउंड स्टेटमेंट की, कब आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट की वीडियो में कंजक्शन बताया था। निगेशन तो बहुत सिंपल है, निगेशन में टी एफ में कन्वर्ट हो जाता है एफ टी में, वो तो सिंपल है। अब हमारे चार मेन ऑपरेशन बन गए, कंजक्शन, डिजक्शन, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट, या इफ एंड ओनली इफ, या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम इस तरीकों से भी लिखते हैं। कभी कभी इस इफ एंड ओनली इफ को इस एरो से भी यूज़ करते हैं, है ना। इफ एंड ओनली इफ ऐसे भी आता है कभी कभी एग्जाम में, या कभी कभी ऐसे भी आता है, दोनों का सेम मतलब है, नोटेशन हमेशा ध्यान रखें। तो कंजक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब पहला कंपोनेंट भी ट्रू हो, दूसरा कंपोनेंट भी ट्रू हो, तब हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज आपको मिलेगी फॉल्स वैल्यू। ये पढ़ा था आपने कंजक्शन के लिए। डिजक्शन के लिए आपने पढ़ा था कि जब हमारा पहला कंपोनेंट फॉल्स होगा, दूसरा कंपोनेंट फॉल्स होगा, तब आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज आपको सभी वैल्यू ट्रू मिलेगी। और इम्प्लीकेशन में आज आपने पढ़ा है कि पहले वाला कंपोनेंट ट्रू होने पर और दूसरे वाला फॉल्स होने पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी केसों में हमारी ट्रू वैल्यू रहेगी। इफ एंड ओनली इफ या बाई कंडीशनल में आपने पढ़ा है कि दोनों कंपोनेंट सेम होने पर ट्रू वैल्यू जाएगी, बाकी सब में फॉल्स, मतलब टी टी होने पर भी आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी और एफ एफ पर भी आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ये जो मैंने आपको फाइनली ये इम्पोर्टेंट करके टेबल बताई है, इसको आपको मेनली ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट अगर आपके माइंड में सेट है तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा ट्रू टेबल का आता है, बहुत इजीली आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, कंजक्शन में टी टी पर टी, बाकी सब फॉल्स, डिजक्शन में एफ एफ पर एफ, बाकी सब ट्रू, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन में एक टी हो एक एफ हो तो फॉल्स, अदरवाइज सभी केसेस में ट्रू, और बाई कंडीशनल में टी टी पर टी एफ एफ पर टी बाकी सब फॉल्स। तो ये मेनली टेबल आपको याद रखनी है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आज ही के लेक्चर में यूज़ करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज होगा, और साथ ही साथ में जो मॉड्यूल 3 के लेक्चर बचे हुए हैं वहाँ पर भी यूज होना है। तो बहुत अच्छे से इसको आप समझ करके चले। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आपको दिया है कि गिवन दैट द वैल्यू p implies q इज ट्रू। आपको कहा गया है कि जो p implies q है वो ट्रू है, कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट, तब आपको इस कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। और फिर ये भी बताना है कि जब P implies Q ट्रू होगा तो इसके केसेस क्या क्या हमारे बनेंगे, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पर बनेंगे वो कितने बनेंगे। कंपोनेंट्स हमारे दो ही है, P Q, तो P Q को हम टेबल में लिख लेते हैं, है ना। ये हमारा P होगा, ये हमारा Q होगा। P Q के पॉसिबल पेयर अगर बनाएं तो आपके चार पेयर बनेंगे, एक होगा टी टी एफ एफ, फिर टी एफ टी एफ, ये पेयरिंग करनी मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी निगेशन पी की, है ना, हमें ज़रूरत पड़ेगी पी इम्प्लाइज क्यू की, हमें ज़रूरत पड़ेगी पी If and only if Q की। आप देख सकते हैं यहाँ पर P if and only if Q भी है, तो इन सबको हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले P implies Q ही निकाल लेते हैं। P implies Q, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। तो P implies Q हम निकालते हैं। P implies Q, जैसा कि मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया था कि implies में पहला कंपोनेंट ट्रू होने पर, दूसरा कंपोनेंट फॉल्स होने पर फॉल्स मिलेगा, बाकी सब में ट्रू। तो ये कंपोनेंट ट्रू है, ये कंपोनेंट फॉल्स है, तो ये आपको फॉल्स मिलेगा और बाकी सब में जो वैल्यू मिलेगी टी टी पर भी ट्रू मिलेगी, एफ टी पर भी ट्रू मिलेगी, एफ एफ पर भी आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। तो हमने जैसे कि ऊपर नोट में बताया पी इम्प्लाइज क्यू के लिए जो कंडीशन होती है वो अप्लाई की, तो पी इम्प्लाइज क्यू बहुत ईजिली निकल गया। फिर हमें फाइंड करना है यहाँ पर निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी की अगर बात करें तो जो
फर्स्ट वाला कोलम है उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, जो ट्रू है वो फॉल्स में बदल जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू में बदल जाएगा। निगेशन पी भी निकल गया। फिर हमें फाइंड करना है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है, क्योंकि जो पहले ब्रैकेट्स के अंदर होता है उनको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम प्रिंसिपल कनेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर पी इफ एंड ओनली इफ क्यू है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में हम निगेशन पी और इसके बीच में डिजंक्शन ऑपरेशन यूज करेंगे। तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू में आपको निकालना है, और ये आपको पता है कि इफ एंड ओनली इफ में जस्ट ऊपर बताया है कि दोनों कंपोनेंट सेम होने पर ट्रू वैल्यू जाएगी, बाकी सब फॉल्स जाएगा, ठीक है। तो आप पी और क्यू यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में देखेंगे कि दोनों कंपोनेंट सेम कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये भी सेम है टी टी, और ये भी सेम है एफ एफ, तो इन दोनों केस में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, और बाकी सब में फॉल्स, टी एफ पर भी फॉल्स और एफ टी पर भी फॉल्स। तो हमने इफ एंड ओनली इफ का ऑपरेशन यूज करते हुए पी इफ एंड ओनली इफ क्यू भी फाइंड किया। अब फाइनली जो हमें स्टेटमेंट निकालना है वो निकालेंगे, है ना। स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ पी और पी इफ एंड ओनली इफ क्यू के बीच में हमें ऑपरेशन लगाना है, और वो ऑपरेशन होगा हमारा डिजंक्शन। वो ऑपरेशन क्या होगा हमारा? डिजंक्शन। और ये आपको पता है कि जो निगेशन पी है वो हमारा फोर्थ कॉलम में है, और पी इफ एंड ओनली इफ क्यू है वो हमारा फिफ्थ कॉलम में, यानी कि अब जो हमें यूज़ करना है फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को यूज़ करना है, और फोर्थ और फिफ्थ कॉलम के बीच में हमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है? डिजंक्शन। और डिजंक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऊपर नोट में भी बताया कि एफ एफ पर एफ वैल्यू मिलती है, बाकी सब पर ट्रू। तो ये एफ है, ये एफ है, तो इस पर आपको एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सब पर ट्रू। एफ टी पर भी ट्रू मिलेगा, टी एफ पर भी ट्रू मिलेगा, टी टी पर भी ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी टेबल बन गई कंप्लीट। कंप्लीट टेबल बनाने के बाद आंसर बताएंगे। आंसर क्वेश्चन में आपको कहा था कि जो पी इम्प्लाइज क्यू है वो ट्रू है, तो उस केस में हमें इस कंपाउंड स्टेटमेंट को निकालना है कि क्या होगा जब पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है कंपाउंड स्टेटमेंट ये क्या बनेगा। तो पी इम्प्लाइज क्यू जो हमारा ट्रू है वो यहाँ पर भी ट्रू है, वो यहाँ पर भी ट्रू है, और यहाँ पर भी ट्रू है, तीन जगह पर ट्रू है। जब ये ट्रू आया है तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बना है? तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू बना है, ये भी ट्रू बना है, और ये भी ट्रू बना है। इसका मतलब तो आपका जवाब ये होगा कि जब P implies Q ट्रू है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी हमें ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है। वही आपको आंसर में लिख देना है नीचे कि फ्रॉम द टेबल इट फॉलोज दैट P implies Q इज ट्रू, देन द वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो कंपोज इस टेबल को, ट्रू टेबल को देखते हुए हमने देख लिया कि ट्रू वैल्यू पर आपका कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू वैल्यू देता है, तो वही हमें लास्ट में लिख देना है कि पी इम्प्लाइज अगर क्यू ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी हमें ट्रू वैल्यू देगा। सेम तरीके का एग्जांपल्स आप अपने आप ट्राई करेंगे, 2009 में आया ये भी, है ना। इसमें आपको कहा है गिवन दैट द वैल्यू पी इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स, यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू की वैल्यू फॉल्स है, तब आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है इस कंपाउंड स्टेटमेंट को, और फिर बताना है कि जब पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा या ट्रू वैल्यू देगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ तीन कंपोनेंट को लेकर के, पी क्यू आर, है ना। इसमें कहा गया है आपको कि फाइंड द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल हमें बनानी है किस किस के लिए, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रूथ टेबल बनानी है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमें ट्रूथ टेबल को फाइंड करना है। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन कंपोनेंट है। पहले हम आठ रोज बनाएंगे जो आपको बनानी सिखाई है, पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे। एक जगह पर पी लिखा जाएगा, एक जगह पर क्यू, एक जगह पर आर। पॉसिबल पेयर बनाने मैंने आपको सिखाए हैं, है ना। पहले चार वैल्यू ट्रू, फिर चार वैल्यू फॉल्स, फिर दो वैल्यू ट्रू, फिर दो वैल्यू फॉल्स,
फिर एक वैल्यू ट्रू, एक वैल्यू फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम 8 पॉसिबल जो पेयर होंगे, 8 रोज जो हमारी बनेगी, क्योंकि 2 की पावर 3, मैंने आपको बताया था लास्ट के वीडियो में कि अगर 2 कंपोनेंट है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 रोज 4 पेयर्स बनेंगे, और अगर 3 कंपोनेंट है PQR तो 2 की पावर 3 हमारे 8 रोज़ या 8 पॉसिबल पेयर बनेंगे, जिसको मैंने बनाने की आपको ट्रिक आज भी बता दी है और ये लास्ट वीडियोज़ में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है इसको देख लेते हैं। हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा निगेशन R, निगेशन P है ना, और Q कंजक्शन R। पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर है कंपोनेंट्स पार्ट्स, इनको हम फाइंड करेंगे। इनको फाइंड करने के बाद फिर फाइनली हम प्रिंसिपल जो कनेक्टिव है, ये वाला ऑपरेशन, इम्प्लीकेशन वाला जो ऑपरेशन है, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम क्यू कंजक्शन आर, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये है हमारा क्यू कंजक्शन आर। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले निगेशन आर निगेशन पी फाइंड कर ले, है ना, फिर उसका आगे यूज़ कर सकते हैं। निगेशन आर और निगेशन पी फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो निगेशन आर निगेशन पी पहले निकाल लेते हैं। निगेशन आर निगेशन पी नथिंग, जो आर वाला कॉलम है उसकी सारी वैल्यूज़ जस्ट रिवर्स हो जाएगी ट्रू फॉल्स में, फॉल्स ट्रू में। तो ये टी है तो एफ बन जाएगा, ये F है तो T बन जाएगा, ये T है तो F बन जाएगा, ये F है तो T बन जाएगा, T है तो F, F है तो T, T है तो F, F है तो T। तो R का निगेशन फाइंड किया बाय यूजिंग थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम को यूज़ करेंगे और निगेशन P निकालेंगे। उसमें हमारी 4 वैल्यूज़ ट्रू है, 4 फॉल्स है, तो जो ट्रू है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और जो फॉल्स है वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 4 फॉल्स हो जाएगी, 4 ट्रू हो जाएगी। तो निगेशन आर निकाला, निगेशन पी निकाल दिया। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना है यहाँ पर, अब दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा, है ना। एक तो हमें निकालना है फर्स्ट ब्रैकेट को, अगर देखा जाए तो ये ब्रैकेट है हमारा, इसमें हमें क्यू कंजक्शन आर फाइंड करना पड़ेगा और उसका इम्प्लीकेशन पी के साथ, सॉरी उसका इफ़ एंड ओनली इफ़ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पी के साथ निकालना होगा। ठीक है, तो इसी को पहले फाइंड कर लेते हैं, क्यू कंजक्शन आर। ये बात आप ध्यान रखना, मैंने नोट में लिख रखी है, फिर से रिकॉल कराता हूँ कि जो कंजक्शन है वो टी टी पर टी वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स। जो डिजक्शन है वो एफ एफ पर एफ वैल्यू देगा, अदरवाइज ट्रू। जो इम्प्लाइज है वो पहला कंपोनेंट टी और दूसरा एफ होने पर एफ वैल्यू देगा, अदरवाइज ट्रू। जो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, दोनों कंपोनेंट सेम होने पर टी टी पर टी एफ एफ पर टी देगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो ये टेबल मैं ऊपर आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ, है ना, इसी का यूज़ करना है, क्योंकि अगर ये आपको याद है तो बहुत ईजिली आपकी टेबल बन जाएगी। तब हमें Q का कंजक्शन R के साथ निकालना है, और कंजक्शन में आप जानते हैं Q कंजक्शन R निकालना है तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को यूज़ करेंगे। और कंजक्शन में आप जानते हैं कि जो TT है वो T वैल्यू देगा, बाकी सब फॉल्स। जो TT है वो T वैल्यू देगा, बाकी सब फॉल्स। तो अगर देखा जाए TT कहाँ पर है हमारा, ये T है, ये टी है, तो इनके लिए हमें टी वैल्यू मिलेगी। फिर ये टी है, ये टी है, इसके लिए भी हमें टी वैल्यू मिलेगी, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। तो बाकी सबको फॉल्स कर देते हैं, ये भी फॉल्स, 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 ये भी फॉल्स। बहुत ध्यान से आपको चलना है।
ठीक है। तो टी टी पर टी वैल्यू मिली बाकी सब फॉल्स। अब इस ब्रैकेट्स को अगर देखें तो हमने क्यू कंजक्शन आर निकाल दिया, अब हम पी का इफ एंड ओनली इफ इसके साथ निकाल देते हैं, है ना, पी का इफ एंड ओनली इफ इसके साथ फाइंड कर देते हैं। तो ये होगा हमारा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू कंजक्शन आर, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू कंजक्शन आर, ये हम स्टेटमेंट फाइंड करेंगे। और इसके लिए हम कॉलम यूज करेंगे ये फर्स्ट वाला पी वाला, और जो हमने फाइंड किया है क्यू कंजक्शन आर वाला, और दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन लगेगा दोनों के बीच में इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली इफ में आपको मैंने जस्ट ऊपर भी बताया था, नीचे भी दोबारा फिर से रिवाइज कराया कि दोनों कंपोनेंट सेम होने पर ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। तो आपको देखना है फर्स्ट और ये क्यू कंजक्शन आर वाला कॉलम, दोनों कंपोनेंट सेम होने पर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू वैल्यू देगा। फिर ये टी है, ये एफ है, ये टी है, ये एफ है, ये टी है, ये एफ है, ये एफ है, ये टी है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ और ये एफ, तो इस पर भी आपको टी वैल्यू मिलेगी। ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, तो इन पर भी आपको टी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ में, इफ एंड ओनली इफ में जब हमारे दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं तो आपको ट्रू वैल्यू मिलती है, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू मिलती है। तो बाकी सबको फॉल्स कर देंगे, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू कंजक्शन आर आपने फाइंड किया। इस तरह के क्वेश्चन 10 मार्क्स में ही आते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, और ये स्टेटमेंट है हमारा निगेशन आर का इम्प्लीकेशन निकालना है निगेशन पी के साथ, है ना। निगेशन आर का, निगेशन आर का इम्प्लीकेशन निकालना है निगेशन पी के साथ, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। निगेशन आर और निगेशन पी वाला कॉलम कौन कौन सा है ये मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो ये कॉलम है निगेशन आर का, ये निगेशन पी का, दोनों को यूज़ करना है, दोनों में इम्प्लाइज ऑपरेशन यूज़ करना है। इम्प्लाइज आप जानते हैं कि फर्स्ट वाला टी होने पर दूसरे वाला एफ होने पर एफ वैल्यू मिलेगी, है ना, बाकी सब में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट वाला टी और दूसरे वाला एफ होने पर एफ वैल्यू मिलेगी, बाकी सब में टी वैल्यू मिलेगी। तो ये टी है, ये एफ है, तो यहाँ पर आपकी एफ वैल्यू आएगी। फिर ये टी है, ये एफ है, तो यहाँ पर आपको एफ वैल्यू मिलेगी। और बाकी कहीं पर भी, बाकी कहीं पर भी हमारा जो है पहले वाला टी और दूसरे वाला एफ नहीं है, तो बाकी सब ट्रू वैल्यू देंगे। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो कंडीशन जो हमारी है चारों के चारों ऑपरेशन की, वो हमें चेक करते हुए वो ध्यान से चलना है। फाइनली हमारा आंसर आएगा, आंसर में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू कंजक्शन आर का इम्प्लीकेशन निगेशन आर इम्प्लाइज निगेशन पी के साथ। यानी कि अब हम जो कॉलम यूज करेंगे ये हमने फाइंड कर लिया है, सॉरी ये हम फाइंड कर चुके हैं और ये भी हमने फाइंड कर लिया है, दोनों का इम्प्लीकेशन करना है। यानी कि आपको एक तो ये वाला कॉलम यूज करना होगा और एक ये वाला, दोनों को यूज करना है, दोनों में आपको इम्प्लीकेशन ऑपरेशन लगाना है। और इम्प्लीकेशन ऑपरेशन ये फिर से मैं बताता हूँ, इम्प्लीकेशन ऑपरेशन एक ट्रू होने पर पहला कंपोनेंट ट्रू हो दूसरे वाला फॉल्स हो तो आपको फॉल्स वैल्यू देगा, अदरवाइज ये सभी केसेस में ट्रू रहता है, ठीक है। तो आपको पहले वाला ट्रू और दूसरे वाला फॉल्स देखना है, ठीक है, पहले वाला ट्रू दूसरे वाला फॉल्स, पहले वाला ट्रू दूसरे वाला फॉल्स कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा टी टी है, ये हमारा एफ एफ है, ये एफ टी है, एफ एफ है, एफ टी है, एफ टी टी है, टी टी है, टी टी है, तो पहले वाला ट्रू दूसरे वाला फॉल्स कहीं पर भी नहीं है, तो बाकी सब ट्रू होंगे, इसका मतलब ये सभी ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल में जो हमारी ट्रूथ
ट्रूथ वैल्यू आई है इस कंपाउंड स्टेटमेंट की, सभी ट्रू है। और नेक्स्ट की वीडियो में आपको बताऊंगा यदि ट्रूथ टेबल में कंपाउंड स्टेटमेंट की सभी वैल्यूज ट्रू आ जाए तो उसको हम एक नाम देते हैं टोटोलॉजी। ठीक है, टोटोलॉजी, कंटीजेंसी, कंट्राडिक्शन और सेटिस्फेबिलिटी, इन चारों को लेकर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आज कराया है, एक अपनी बुक से आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन इन ऑपरेशंस को लेके एक ट्रूथ टेबल बनाने सीखेंगे, है ना। 10 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको मेनली यही ध्यान रखना है जो मैंने लास्ट में टेबल ये बना रखी है। ठीक है, कि कंजक्शन क्या करता है, टी टी पर टी देगा बाकी सब पर फॉल्स, डिजक्शन एफ एफ पर एफ देगा बाकी सब ट्रू। ठीक है, इम्प्लाइज पहला टी दूसरा एफ होने पर फॉल्स देगा बाकी सब ट्रू, इफ एंड ओनली इफ टी टी एफ एफ पर टी देगा बाकी सब फॉल्स। तो ये इस तरह आपको माइंड में बार बार सेट करके चलना है। तो अगर ये आपके माइंड में सेट है बहुत ईजिली आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं।